पांच मिनट को आया हूँ और पांच मिनट में तुमने मुझे वो मोहब्बत दे दी कि जो पांच साल में भी ना मिली है ना। आप कितने भैया बैठे, एक चीज और मैं कहता हूँ, जिनके जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं वो मेरी फेसबुक खोल लेना, शेर सिंह बौद्ध के नाम से है, मेरी फेसबुक खोलना और मेरी फेसबुक आईडी पे ये सर्च करना कि मैं काम क्या क्या करता हूँ। क्यों जी, बहुत अच्छे, मैं काम क्या क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है। ये तो वोट मांगने का जो मेरा जो मेरा इरादा बना ना, वो तो इस बहाने से आपके बीच में मुझे बैठना है। हर चीज की बात ना, तुम्हारे बीच में मुझे बैठना, क्यों बैठना, इससे क्या होगा, मेरे संबंध आपसे मजबूत बनेंगे। ये वोट का जो माध्यम जुड़ेगा ना, इससे मेरे संबंध मजबूत बनेंगे। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मेरा पूरे 25 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, मेरा काम है कि बच्चों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना। जब मेरी आप प्रोफाइल खोलेंगे, मैं प्रतिवर्ष 1000 बच्चों को जो कक्षा 12 पास करते हैं उनका सम्मान करता हूँ, धनौरा ब्लॉक का, बहुत अच्छा, और 1000 बच्चों का सम्मान करता हूँ गजरौला ब्लॉक में, जिनके बच्चे जिन बच्चों की मार्कशीट जो 65% से ऊपर आती है। समाज के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, डिग्री कॉलेज के लोग मेरे साथ मिलकर उन बच्चों के सम्मान में शामिल रहते हैं। क्या क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरा केवल खर्चा कितना होता है उसमें, धर्मपाल जी बताओ ईमानदारी से, मेरा खर्चा होता है कि जितनी गाड़ी में मेरा तेल फूकता, मैं डिग्री कॉलेज वाले के पास जाता हूँ, भैया ये एडमिशन तुम्हारे कॉलेज भी होंगे, इन बच्चों का सम्मान हो जाएगा, 100 सीट दे दो। किसी के पास गया, भैया इनको संविधान की 100 किताबें दे दो, ये संविधान को पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, जब जानेंगे तो ये बच्चों को अपने गाँव में बताएंगे कि हमारे अधिकार क्या क्या है। संविधान को पढ़ने के बाद तो पता चलेगा, इस बात का चलेगा नहीं चला पता, वैसे वैसे चला, तुम पढ़ लगो दूसरी किताब और समझो कानून को, तो कानून तो कानून की किताब पढ़ के समझ में आएगा कि मेरे अधिकार क्या है। 100 किताब मैंने उनसे ले ली, किसी से कह दिया भैया ये 1000 बच्चे हैं, भैया तुम्हारी हैसियत हो या तुम्हारी मन कर रहा हो, इन बच्चों को एक एक समोसा दो दो केले थली अपनी तरफ से खवा दियो, बोले जी ठीक है, तुम भैया इनको पानी पिलवा दियो, पानी के जितना भी बैठे, किसी भैया से कह दे कि तुम जो है भैया बैंक अठाल करवा दो, जो भी खर्च होगा बैंक अठाल में तुम्हें देना पड़ेगा, बोले ठीक है। पता कितना खर्च होता है इसमें, कम से कम 4 लाख रुपए।